वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं रांची के हरमू ग्राउंड में और यहां दोस्तों लगा हुआ है दिव्य कला मेला। ये मेला दोस्तों दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तरफ से आयोजित किया गया है। ये दिव्य कला मेला दोस्तों 29 अगस्त से 8 सितंबर तक लगा हुआ रहेगा हमारे हरमू मैदान में जो कि रांची में है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हैंडीकैप उन्हें कहते हैं जो दोस्तों अपने शरीर से थोड़ा सा मजबूर रहते हैं, जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, जिनके आँख नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी होते हैं। तो ये अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके दोस्तों कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं दोस्तों जिन्हें देख के आप हैरान हो जाइएगा और आप देख के ऐसा मतलब कि ऐसा आप बता ही नहीं सकते हैं कि ये उन्होंने बनाया है। तो दोस्तों चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि अपने टैलेंट का उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया है। इस मेले का टाइमिंग दोस्तों 11 बजे सुबह से रात 9 बजे तक है और इस मेले का सबसे खास बात यह है दोस्तों कि एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी नहीं देना है। तो आ चुके हैं दोस्तों अभी हम मेले के अंदर और एक एक करके आपको दोस्तों सारा स्टॉल दिखाएंगे। और आते ही दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है वोकर फॉर लोकल। जैसे ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड की संस्कृति और सभ्यता को भी अच्छी तरह से दर्शाया गया है दोस्तों इस मेले में। दोस्तों आपको वन बाय वन स्टॉल के नंबर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वन स्टॉल, टू स्टॉल, थ्री स्टॉल। तो देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा तेलंगाना का दुपट्टा यहाँ पे, और इसके बाद दोस्तों आपको सेकंड नंबर पे मिल जाएगा पश्चिम बंगाल के सूट सलवार। तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं पहले नंबर के स्टॉल पे। ये है दोस्तों तेलंगाना का सूट और साड़ी दुपट्टा यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। और ये दूसरे नंबर का स्टॉल है दोस्तों जिसमें आपको पश्चिम बंगाल के सूट सलवार और साड़ी मिल जाएंगे। और ये देख सकते है दोस्तों जिस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है दोस्तों, पहली बार देखा जा रहा है ऐसे डिजाइन के कपड़े। तो आठवें नंबर पे आपको मिल जाता है दोस्तों बिहार का स्टॉल और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं साड़ी है, सूट है, दुपट्टा है। तो चलिए पहले ये जिनका स्टॉल है उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद सरफराज अंसारी। तो ये जो स्टॉल है ये आपका ही हाथ का बनाया हुआ है? आपका मेरा हॉल है, आप ही का बनाया? आपका हाथ का मेरा। क्या क्या आपके स्टॉल में? सिल्क है, साड़ी है, सूट है, शर्ट का कपड़ा है। आप कहाँ से आए हुए? भागलपुर से, बिहार। भागलपुर से। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे भाई सरफराज भाई ये हैंडीकैप है और इन्हीं के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जितना भी आप पीछे देख सकते हैं आइटम दोस्तों इन्हीं के हाथों के द्वारा बनाया गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। 1000 से लेकर 5500 तक का साड़ी मेरे पास है। साड़ी और सलवार सूट सब भी रखे है। 1200 से लेकर 1500 रूपये तक का है कपड़ा। साड़ी 1500 रुपया का साड़ी भी है मेरे पास। 950 रुपये मीटर का कपड़ा भी मेरे पास है। हैंडलूम का कपड़ा है, सहूलियत मेरे पास। भागलपुर जिला से हम हैं, भागलपुर बिहार पुरैनी हम लोग का मकान पड़ता है। और इसके ठीक बगल में दोस्तों 9 नंबर का स्टॉल है, यहाँ पे आपको मिल जाता है दोस्तों लेडीज के कान के झुमके और नाक के नथनी वगैरह। तो दोस्तों इस मेले में और भी कई सारे स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको बेडशीट और चादर के भी स्टॉल मिल जाएंगे जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं। और इसके ठीक बगल में दोस्तों आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के यहाँ पे लेडीज के जूती और सैंडल मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों इस मेले में दोस्तों एक और दिव्यांग भाई मिले हैं दोस्तों, तो जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पीछे वाला स्टॉल है इन्हीं का है दोस्तों। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं। तो क्या नाम है भाई आपका? दयाराम पाल। और कहाँ से आए आप? गुना जिले से, तहसील कुमराज, विकास खंड चांसोड़ा, मध्य प्रदेश से। ये आपका जो स्टॉल है ये किस चीज का स्टॉल है? ये है साड़ी सूट का स्टॉल।
और ये आपने अपने हाथों से बनाया? हाथों से बनाया। ये सारा जितना भी है सब आप ही ने बनाया है? नहीं, सामान नहीं, ये जो आपका हाँ, पीछे जो स्टॉल हाँ, लगा हुआ है अपन ने बनाया। इसका क्या रेट के कितना से स्टार्ट है साड़ी की? हाँ साड़ी की सर, साड़ी की तो सभी होती रेट है। शुरुआत मतलब कितने से है? 1200 से। अच्छा, और कितने तक खत्म है? 10 तक भी है, 11 तक भी। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे भाई विकलांग होने के बाद भी दोस्तों किस तरह से अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों किस तरह से आप पीछे देख सकते हैं, इतने बेहतरीन तरीका से दोस्तों ये अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं दोस्तों, जो कि देख के कहा ही नहीं जा सकता दोस्तों कि ये किसी इंसान ने अपने हाथों से बनाया। ये बिल्कुल दोस्तों मशीन से बनाया हुआ लग रहा है। इस मेले में एक और स्टॉल मिले हैं हम लोग को दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र का है। और ये स्टॉल में दोस्तों आप देख सकते हैं एक और भाई दिव्यांग है जिनका एक हाथ नहीं है, और ये स्टॉल दोस्तों शर्ट का स्टॉल है। तो आइए दोस्तों उनसे बात करते हैं। हमारे साथ दोस्तों एक विकलांग भाई है जो दोस्तों अपने हाथों से विकलांग है, और इनका नाम है गोपाल। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए सर। गोपाल कृष्ण राव टोपरे। कहाँ से आए आप? नागपुर, महाराष्ट्र। क्या चीज का स्टॉल आपका? शर्ट का, रेडीमेड शर्ट। तो ये जितना भी शर्ट है ये सब आपने अपने हाथों से बनाया? हम अपने हाथों से, हमारे यानी वर्कर्स है, हमारे वर्कर्स बनाते हैं। आपके वर्कर्स बनाते हैं? तो हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग। आपके खुद की मैन्युफैक्चरिंग। हाँ। क्या प्राइस है इसका? 500 रुपए। स्टार्टिंग 500 है? 500। सारे के 500? सारों के 500। कुछ भी ले? कुछ भी ले। 500 छोटे से बड़े साइज तक का 500 भी। तो देख सकते हैं गाइस, जिस तरह से महंगाई चल रही है उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि 500 रुपया में शर्ट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल बात है, जो कि आपको यहां पे मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको आगे। इसी दिव्य कला मेला में दोस्तों 100 से भी ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं दोस्तों, और इसमें 50 से भी ज्यादा स्टॉल में हमारे दिव्यांग भाई बहन के स्टॉल लगे हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों जो बाकी स्टॉल बचेंगे दोस्तों वहां पे नॉर्मल लोग भी अपना स्टॉल लगाए हुए हैं दोस्तों। तो आप आए दोस्तों इस स्टॉल में, और यहाँ पे काफी सस्ते में भी ये दोस्तों आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और आप आए इस स्टॉल में और खरीदारी करके जाए दोस्तों, जिससे हमारे दिव्यांग भाई बहनों को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। इस मेले में दोस्तों म्यूजिक और डांस का भी प्रोग्राम किया जाता है दोस्तों इवनिंग में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप शाम में आके अगर किसी को डांस या फिर सिंगिंग या फिर म्यूजिक का अगर शौक है तो यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों तो एक बार फिर से आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इस मेले का एंट्री फी बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो जम के शेयर करें दोस्तों जिनको पता नहीं है कि ये मेला कहाँ पे है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और आपका फेवरेट पार्ट क्या था उसके लिए भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।